राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, रजनीकांत, राजकुमार, धर्मेंद्र, मिथुन, सलमान खान, शाहरुख खान और सनी देओल जैसे दिग्गज सितारों के साथ फिल्में बना चुके दिग्गज निर्माता निर्देशक केसी बोकाड़िया ने अपने फिल्मी सफर के बीते 50 सालों में ऐसी बेबसी नहीं झेली जैसी केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड के एक आदेश के चलते उन्हें अब भुगतनी पड़ रही है। दो दिन पहले मुंबई आए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उनके बनाए नए धारावाहिक सरदार द गेम चेंजर की जमकर तारीफ की और इसे सप्ताह में एक दिन की बजाय दो दिन प्रसारित करने का भी सुझाव दिया। लेकिन इसी मंत्रालय के अधीन आने वाले सेंसर बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी ने बोकाड़िया को उनकी नई फिल्म को लेकर जो नोटिस भेजा है उससे फिल्म जगत भी हैरान है। नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। पिछले 5 दशकों से हिंदी सिनेमा में एक्टिव रहे फिल्म निर्माता निर्देशक केसी बोकाड़िया ने बीते साल के आखिर में अपनी नई फिल्म तीसरी बेगम के सेंसर सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया। फिल्म को सेंसर बोर्ड की परीक्षण समिति यानी एग्जामिनिंग कमेटी ने देखने के बाद इसे सेंसर सर्टिफिकेट देने से इसलिए इनकार कर दिया कि ये फिल्म समाज में प्रचलित सामान्य और औचक घटनाओं को एक परंपरा के रूप में दिखाती है। उनके मुताबिक इससे एक समुदाय विशेष के खिलाफ वैमनस्य फैलता है। सेंसर बोर्ड ने बोकाड़िया को 14 दिन का समय इस फिल्म को रिविजन कमेटी के पास ले जाने का दिया है और बोकाड़िया ने इसके बाद फिल्म के सेंसर सर्टिफिकेट के लिए फिर से आवेदन किया। अब सेंसर बोर्ड ने केसी बोकाड़िया को इस महीने की 6 तारीख यानी 6 मार्च को एक पत्र भेजा है जिसमें फिल्म तीसरी बेगम को केवल वयस्कों के लिए सर्टिफिकेट के साथ जारी करने की रिवीजन कमेटी से मिली संतुति का जिक्र करते हुए उनसे फिल्म में 14 स्थानों पर कट्स या बदलाव करने को कहा है। इस पर बोकाड़िया का कहना है कि इन कट्स में से मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत इस पॉइंट को लेकर हुई है जिसमें फिल्म से जय श्री राम हटाने की बात कही गई। राम हमारी आस्था के केंद्र बिंदु हैं और फिल्म में ये बात एक ऐसा किरदार कह रहा है कि जो खुद पर हमलावर हुए शख्स की शरण में है। रामचरितमानस के सुंदरकांड में विभीषण के अपनी शरण में आने पर भगवान राम के कथन पर शरणागत कहूं जे तजही निज अनहित अनुमानी ते नर पावर पाप समम तनहिनी विलोकत हानि। उदाहरण देते हुए केसी बोकाड़िया कहते हैं कि यदि कोई हमलावर किसी की जान लेने पर आमादा है और अपनी जान बचाने के लिए वो शख्स प्रभु श्री राम के नाम का उच्चारण ले रहा हो तो उसे जय श्री राम कहने से भारत में तो शायद ही कोई रोकना चाहेगा। फिल्म तीसरी बेगम का ये संबंधित दृश्य भी ऐसा ही है जिसमें अपनी पहचान छुपाकर तीसरी शादी करने वाला शख्स फिल्म के उपसंहार में अपनी गलती मानता है और अपनी जान बचाने के लिए प्रभु श्री राम की दुहाई देता है। मैं मर जाऊंगा लेकिन अपनी फिल्म से जय श्री राम शब्द नहीं हटाऊंगा। केसी बोकाड़िया ने सेंसर बोर्ड के सुझाए इस कट को मानने से इनकार कर दिया है और अपनी बात सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी तक भी पहुंचा दी है। बोकाड़िया आगे कहते हैं कि मैंने बीते 40 सालों में 60 फिल्में बनाई हैं लेकिन मुझे कभी सेंसर बोर्ड ने इस तरह परेशान नहीं किया। मैंने हाल ही में दूरदर्शन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल पर एक साप्ताहिक धारावाहिक सरदार द गेम चेंजर बनाया है जिसे देखने के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसे हफ्ते में 2 बार करने का सुझाव दिया है लेकिन सेंसर बोर्ड मेरी एक पीरियड फिल्म को रिलीज नहीं होने दे रहा। अगर मेरी फिल्म को जय श्री राम शब्दों के साथ रिलीज करने की अनुमति नहीं मिलती है तो मैं इसके खिलाफ हाईकोर्ट में जाऊंगा। आपको बता दें कि इस विषय में और सेंसर बोर्ड की कार्यप्रणाली के बारे में बात करने के लिए सीईओ स्मितावत शर्मा ने महीने के आखिर का समय दिया है। तो सेंसर बोर्ड द्वारा जय श्री राम का डायलॉग हटाने के इस विषय पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। ऐसी तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।